नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज पर अपने क्षेत्रों की ताजा तरीन खबरें। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा, देखते रहिए टीवी 20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। हुनर संस्थान आजमगढ़ द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले अखिल भारतीय नाटक व लोक नृत्य समारोह हुनर रंग महोत्सव का दूसरा दिन कुछ खट्टी मीठी प्रस्तुतियों के साथ समाज में फैली बुराई व अव्यवस्था के ऊपर करारा प्रहार करते हुए समाज के लोगों को सचेत रहने का संदेश दी गई। दूसरे दिन की संध्या की शुरुआत जिला प्रचारक राष्ट्रीय सेवा संघ अम्बेश गौरव अग्रवाल प्रबंधक जी डी ग्लोबल स्कूल, राजेंद्र प्रसाद यादव प्रबंधक सर्वोदय पब्लिक स्कूल, डॉक्टर पीयूष सिंह यादव ने दीप प्रज्वलन कर माँ सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया। आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत संस्थान अध्यक्ष मनोज यादव, हेमंत श्रीवास्तव गौरव मौर्य व प्रतिभा निकेतन स्कूल के प्रबंधक रमाकांत वर्मा ने किया। सायकालीन सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शुरुआत धनबाद झारखंड से आई श्रुति चंद्रा द्वारा मनमोहक कथक नृत्य की प्रस्तुति की गई। आजमगढ़ जिले के सगड़ी तहसील क्षेत्र के नगर पंचायत आजमतगढ़ में सोमवार को अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन का बुलडोजर चला। नायब तहसीलदार मयंक मिश्रा और अधिशासी अधिकारी अखिलेश कुमार यादव के नेतृत्व में नगर पंचायत आजमतगढ़ में दोपहर से अतिक्रमण हटाने का कार्य शुरू किया, जो देर शाम तक चलता रहा। अतिक्रमण हटाने का कार्य अजमतगढ़ ब्लॉक मुख्यालय से प्रारंभ हुआ। अमिला मार्ग, जैनपुर मार्ग, घोसी मार्ग, अस्पताल जाने वाले रास्ते सहित अन्य जगहों पर भी अतिक्रमण हटाया गया। वहीं लोग आपस में जूझते नजर आए। कई लोगों ने इसका विरोध किया और कहा कि सड़क के किनारे ठेले लगाने और टेम्पो खड़ा कर सवारी भरने से जाम लगता है, व्यापारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है। अधिशासी अधिकारी अखिलेश कुमार यादव ने बताया कि दुकानदारों और अन्य लोगों को इसकी सूचना पहले ही दे दी गई थी। ध्वनि नियंत्रक द्वारा प्रसारण भी किया गया था। जो लोग अतिक्रमण किए हैं वह लोग स्वयं अपना अतिक्रमण हटा ले, नहीं तो उनका भी अतिक्रमण हटाया जाएगा। दे दी गई थी कि अतिक्रमण जो भी नाली के ऊपर है या नाली के दोनों तरफ है, नालियां खाली करनी है। उसी के क्रम में मैक्सिमम बहुत सारे दुकानदारों ने खुद हटवा लिया उसको, और जो बचे हैं उनके नगर पंचायत और पुलिस के सहयोग से उपजिलाधिकारी महोदय के निर्देश से कार्रवाई की जा रही है। जुर्माने भी लगाए जा रहे हैं कुछ लोगों पर, जिन्होंने बार बार करने के बाद भी निर्देशों को नहीं माना या पुनः कब्जा किया, उन पर यथोचित जुर्माना जो भी है वो आरोपित किया जा रहा है। अतिक्रमण हटाने के बाद अगर दोबारा अतिक्रमण किया जाता है उस पर क्या कार्रवाई? जो भी होगा इनके खिलाफ, अगर अतिक्रमण तो जो भी इनके खिलाफ अगर हमें प्राथमिकी भी दर्ज करानी पड़ी, जो भी उचित वैधानिक होगा इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। संभवतः आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील करना चाहूँगा कि ये संपूर्ण मार्केट आपकी है और इसमें जो खाली स्पेस है वो आपके ही यूज में होता है, अतः उसको खाली रखें और हमारा और अपना स्वयं का सहयोग करें। सर, ये अतिक्रमण हटाने का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा या फिर? अभी दो नगर पंचायतें हमारे में थी, जो जियनपुर और अजमतगढ़, वहाँ हट गया है। बाकी अन्य नगर पंचायतों में भी ऐसी कार्रवाई उपजिलाधिकारी महोदय के निर्देश से की जाएगी। सर, भविष्य सर, तो यहाँ के व्यापारी हैं, उनका ऐसा कहना है कि क्योंकि उनका घोसला मतलब तोड़ रहे हैं। नहीं, जो भी नगर पंचायत में जैसे व्यापारियों से भी कहा गया था कि अगर वो नाली के ऊपर है तो नाली के ऊपर पहले भी 15 दिन से अनाउंस हो रहा है कि आप हटा लें। जियनपुर के अतिक्रमण के पहले भी अनाउंस करा दिया गया था कि आप हटा लें। अगर वो जिन व्यापारियों ने मैक्सिमम ने हटा लिए, जिन्होंने नहीं हटाए हैं उनके खिलाफ ही ऐसी कार्रवाई की जा रही है। सर, कहीं ऐसा नहीं ना किसी दबाव वगैरह में? कोई दबाव वाली बात नहीं है। बात यह है कि जो नालियों के दोनों तरफ समान पारदर्शी विधि से किया जा रहा है, नाली के इस तरफ और उस तरफ दोनों तरफ ही खाली रहेगा। थैंक यू। आजमगढ़ में विधानसभा चुनाव को देखते हुए अब जनप्रतिनिधियों ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दिया है। सोमवार को सदर विधायक दुर्गा प्रसाद यादव ने रानी की सराय ब्लॉक के चेक पोस्ट से थाना रानी की सराय तथा तक पदयात्रा निकालकर लोगों से जनसंपर्क किया। सदर विधायक दुर्गा प्रसाद यादव, जिला पंचायत अध्यक्ष के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पदयात्रा निकाली। पदयात्रा का शुभारंभ सदर विधायक दुर्गा प्रसाद यादव समाजवादी झंडा दिखाकर किया। पदयात्रा चेक पोस्ट रानी की सराय कस्बा रानी की सराय होते हुए थाना रानी की सराय पहुंचकर समाप्त हुआ। इस दौरान सदर विधायक ने लोगों से क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, एक चेक पोस्ट से निकाला गया और आपके थाने के बगल में हमने तो समाप्त किया। करीब 3 किलोमीटर की यात्रा थी और एक हमने संदेश दिया, क्योंकि आपके बीच में देखिए बाजार है, बाजार में बीजेपी के सरकार में ही व्यापारियों का जो दुकानें तोड़ दी गई, न उनको नोटिस दिया गया, न उनको सामान हटाने का मौका दिया गया, न उनका मुआवजा दिया गया। ये बात को मैंने
विधानसभा में मामला उठाया था और उन्होंने आश्वासन दिया था कि जिसका नुकसान हुआ है जांच कराए कि उसको देने का काम करेंगे, मगर इन्होंने कोई काम नहीं। ये जो है भाजपा वालों का कहना है कि ये भीड़ जो है पैसे की भीड़ है, पैसे की भीड़ है, ये आप लोग भी देख लीजिए, ये आप पैसे वाले आप सब बता दीजिएगा विजय जी, जिस तरह की जन सैलाब हमला हुआ है क्या दर्शाना चाहते हैं, जनता क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए ये एक आज जो सरकार चल रही है भाजपा की, जनता इसे एकदम त्रस्त है, दुखी है बहुत, और उसको मौका मिल रहा है जहां पर भी अगर इस सरकार का विरोध करने के लिए, वो एकदम अपना पसीना बहाकर इस सरकार का विरोध कर रही है, जिस कदर वो कर सकती है उस तरीके से जनता विरोध कर रही है। आज इस समाज में जितना महंगा गैस सिलेंडर तेल सब कुछ, कोई चीज़ बाकी नहीं है जो महंगा नहीं हुआ, और इसके लिए पूरी जनता इस पर आक्रोश में है, और ये आक्रोश तभी समाप्त होगा जब तक हम जनता 2022 में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री न बना दे, तब तक ये गुस्सा शांत होने वाला जनता। जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता में जिला अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि महिलाओं को उनके हक के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी ने मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा दिया है। यह नारा महिलाओं के स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। उसी क्रम में महिलाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से महिला सशक्तिकरण की दिशा में आजमगढ़ कांग्रेस जनपद में दिनांक 5 जनवरी 2022 को आजमगढ़ जजी के मैदान से सुखदेव पहलवान स्टेडियम तक मैराथन दौड़ का आयोजन कर रही है। मैराथन दौड़ में बड़ी संख्या में लड़कियां शामिल होगी। मैराथन दौड़ में 16 साल के ऊपर की लड़कियां भाग ले सकती हैं। मैराथन दौड़ में शामिल होने के लिए लड़कियों का निःशुल्क रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया ऑनलाइन अथवा फॉर्म जमा कर भी पूरा किया जा सकता है। पुरस्कारों में स्कूटी, स्मार्टफोन, फिटनेस बैंड, मेडल और सभी बच्चियों को सर्टिफिकेट और मैराथन में भाग ले रही सभी लड़कियों को मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ स्लोगन लगा टी-शर्ट भी दिया जाएगा। हाँ सर, अपना परिचय दीजिए। आप सभी को नमस्कार। देखिए आज आप प्रेस वार्ता करने का उद्देश्य यह है कि पूरे प्रदेश में कैंपेन चल रहा महिला सशक्तिकरण को लेकर के, श्रीमती प्रियंका गांधी जी द्वारा चलाया जा रहा है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, कि हमारे देश में जो आधी आबादी है उनका बराबर प्रतिनिधित्व हर जगह नहीं, इसको लेकर के कैंपेन लॉन्च हुआ था, उनके लिए अलग से घोषणा पत्र बना था। इस क्रम में उनको और एम्पावर करने के लिए, उनको सशक्त करने के लिए लगभग कई मंडलों में लड़की हूँ लड़ सकती हूँ एक मैराथन कराई जा रही है। जैसे मेरठ में हो चुका है, झांसी में भी हुआ है, लखनऊ में 28 को होना है, तो 5 तारीख को आजमगढ़ में भी तिथि नियत की गई। ये मैराथन दौड़ कहाँ से शुरू हुई? और ये जजी के मैदान से अभी तक जो हमने प्रस्तावित किया हम सब लोगों ने मिलकर, जजी के मैदान से ये शुरू होगी और ये सीधे पुरानी कोतवाली होते हुए, पहाड़पुर होते हुए स्टेडियम में जाकर के समाप्त होगी, और उसमें पहले जो पहली विजेता है उनको एक स्कूटी है, बाकी क्रमशः 25 लोगों को स्मार्टफोन है, और उसके बाद शेष लगभग 100 लोगों को जो है फिटनेस बैंड है। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के निर्देश पर थाना अध्यक्ष अतरौलिया रमेश कुमार के आदेश के ऊपर उप निरीक्षक राजेंद्र कुमार द्वारा क्षेत्र के यूनियन बैंक अतरौलिया, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक समेत यूनियन बैंक लोहरा, बढ़िया, मदियापार, बांसगांव बैंकों में चेकिंग अभियान चलाया। चेकिंग के दौरान बैंक के अंदर व बाहर लगे CCTV कैमरे की गुणवत्ता, पुलिस तथा गार्ड ड्यूटी, बैंक रजिस्टर तथा बैंक के अंदर व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मियों तथा होमगार्ड को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए बताया कि बैंक के बाहर खड़े दोपहिया वाहनों की निगरानी अवश्य करें, बिना नंबर प्लेट की खड़ी गाड़ियों की जानकारी हासिल कर सूचित करें, बैंक के अंदर तथा बाहर लगे CCTV कैमरे की गुणवत्ता सही हो, वही बैंक परिसर में आने वाले संदिग्ध व्यक्तियों के बारे में तत्काल थाने को सूचित करें। चेकिंग के दौरान सभी प्रमुख बैंकों में अफरा तफरी का माहौल रहा। आजमगढ़ में जन अधिकार पार्टी के तत्वावधान में पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित एवं अल्पसंख्यक भाईचारा बनाव सम्मेलन का आयोजन जमुनी बाजार में किया गया। सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष की भीड़ देख कत-कत हुए। सम्मेलन के मुख्य अतिथि जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा ने राष्ट्र में कार्यकर्ताओं को वोट के महत्व को बताया और कहा कि सब कुछ राजा करता है और लोकतंत्र में राजा आपके वोट से बनता है। अपने वोट की कीमत पहचानी और जन अधिकार पार्टी का मूल मंत्र है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उसका बिना किसी भेदभाव के जनसंख्या प्रतिशत के आधार पर सभी क्षेत्रों में सभी जाति वर्ग को भागीदारी दिलाना हमारा लक्ष्य है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा सुनिए। होंगी क्या नीतियाँ, किस मुद्दे पर आप चुनाव? एक समान शिक्षा पद्धति, अगर आप ब्रीफ होना चाहें तो मैं आपको भी कन्विंस करूँ। हमारे देश की दोहरी शिक्षा व्यवस्था है,
एक तरफ प्राइवेट पब्लिक स्कूल है, एक तरफ प्राइमरी स्कूल है। पब्लिक स्कूल में CBSE ICSE पढ़ाई जाती है और गांव में ग्रामीण में यूपी बोर्ड पढ़ाया जाता है, हिंदी मीडियम पढ़ाया। हम चाहते हैं कि बड़े आदमी का बच्चा महंगे स्कूल में पढ़ ले, AC में कूलर में बैठ के पढ़ ले, गरीब का बच्चा गर्मी में बैठ के पढ़ ले, लेकिन पाठ्यक्रम एक, किताब एक। तो हम चाहते हैं एक समान शिक्षा पद्धति, अनिवार्य शिक्षा और फ्री शिक्षा। किसान को खाद भी सस्ती, उसकी फसल की कीमत उसे सही मिले, सिंचाई के लिए बिजली फ्री मिले, छोटे दुकानदार और किसानों के कर्जे माफ़ हों और घरेलू बिजली गरीब की माफ़ हो, और जाति जनगणना, जो पिछड़ों की जाति जनगणना सरकार नहीं करा रही, वो जाति जनगणना सरकार करा। जी, अभी जो किसानों, आजमगढ़ जिले के बाज बहादुर मोहल्ले में जैन क्रिकेट क्लब द्वारा क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि सपा नेता परवेज अहमद रहे। क्रिकेट टूर्नामेंट BCC क्लब किला और इंटर वॉरियर्स क्लब कोट के बीच मुकाबला हुआ। वॉरियर्स कोट क्लब कोट के बीच मुकाबला हुआ, जिसमें विनर्स BCC क्लब किला हंटर वॉरियर्स क्लब ने 4 रन से जीत हासिल की। मैन ऑफ द सीरीज मोहम्मद फजल घोषित हुए। विजेताओं को मुख्य अतिथि द्वारा ट्रॉफी मेडल के लिए देकर सम्मान किया गया। इस मौके पर क्या कुछ कहा सपा नेता परवेज अहमद ने, सुनिए। अपना नाम बता दें। मैं परवेज अहमद, समाजवादी पार्टी के प्रदेश कस्बे सदस्य हूँ। अच्छा, टूर्नामेंट का उद्घाटन किया गया, कहाँ कहाँ टीम है क्या? ये आज जो है जैन क्रिकेट क्लब भी के इनके ही तत्वधान में ये टूर्नामेंट हो रहा है। हमारे इस मोहल्ले के अमान अहमद, ये लोग अमान हैं, आसिम हैं, आसिम खान हैं, आसिफ हैं, मोहम्मद साहिल हैं, मोहम्मद आरिफ हैं, इसरार भाई हैं, एहतसाम हैं, जैद हैं, अरमान हैं, समीर हैं और बहुत से लोग इस मोहल्ले के सब लोग आए हैं। इन लोगों के जो है देख रेख में ये टूर्नामेंट हो रहा है और यहाँ 2 टीमें फाइनल में आई हैं। पहली टीम एक हमारे बारादरी की है, BCC क्लब है, BCC क्लब, और दूसरी टीम हंटर वॉरियर। अब दोनों टीमों का मुकाबला फाइनल मैच होने जा रहा है, एक आध ओवर हो चुका है और कोई जीते कोई हारे इससे मतलब नहीं है। गेम एक तरह से आपस की एकता, आपस की जो है मोहब्बत, आपस की मिलावट का एक जरिया है। और मैं सभी लोगों को, जो लोग यहाँ पे आए हैं, इन सब लोगों को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। इसी तरह से कम जो है, चाहे गेम के माध्यम से हो, चाहे किसी माध्यम से भी, इकट्ठा होकर के आपस की एकता और अखंडता को बनाए रहें, इसी में हमारी भलाई है। और हम जब सब सारे लोग मिल करके खेलेंगे, खेलते रहते हैं, तो उसे फिजिकल भी फ़ायदा है, उसे जो है आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। और इसी खेल से जब आज बच्चे यहाँ खेल रहे हैं, कल यही बच्चे मेहनत करेंगे, आगे जाएंगे, यूपी में जाएंगे, इंडिया में करेंगे। इस तरह से जो है आज तमाम जो है क्रिकेटर एक से एक कहाँ से कहाँ पहुँच गए, और इसे यही बच्चे आज मेहनत कर रहे हैं, कल यही बच्चे, मैं दुआ करता हूँ और मेरी ख्वाहिश भी है कि हमारे भी मोहल्ले का कोई बच्चा आगे जाए, जहाँ भी जाए एक अच्छा प्रदर्शन करें और अच्छा जो है गेम करें, अच्छी तरह से खेलें और अच्छा प्रदर्शन करें। हमारी शुभकामना, मुबारकबाद है सब लोग, कम से कम इस तरह का अच्छा प्रोग्राम ये लोग किए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आजमगढ़ के 2 ब्लॉक तरवा और जहानागंज में जन विकास मंच में चयनित चैंपियन के द्वारा बाल संरक्षण के मुद्दे पर विद्यालय प्रबंधन समिति की जिम्मेदारियों में बाल संरक्षण के मुद्दे को शामिल किया जाए और बच्चों को सुरक्षा और संरक्षण सुनिश्चित किया जाए, इसके लिए खंड शिक्षा अधिकारी तरवा तथा जहानागंज को नामित कर पत्र दिया गया। इसी क्रम में बताते चले कि रोजा संस्थान के तत्वावधान में आजमगढ़ जिले के 3 ब्लॉक तरवा, मेहनकर तथा जहानागंज के 46 ग्राम पंचायत की 60 गाँव में स्कूल प्रबंधन समिति की कार्य जिम्मेदारियों में बाल संरक्षण के मुद्दे को शामिल किए जाने हेतु पत्र लेखन अभियान चलाया गया था, जिसमें जन विकास मंच के सदस्य तथा स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्यों ने प्रतिभाग किया था और अपने बच्चों से संबंधित संरक्षण के मुद्दे को लेकर के चर्चा भी किया था। आजमगढ़ में पुरानी पेंसिल बहाली की मांग को लेकर प्रसिद्ध विद्यालयों के शिक्षकों ने हुनर भरी
हुकार भरी। इस दौरान शिक्षकों ने जमकर सरकार विरुद्ध नारे लगाए और मांग किया कि पुरानी प्रिंसिपल को सरकार बहाल करे, अन्यथा चुनाव में परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। नगर के डीएवी कॉलेज के मैदान में जिले के समस्त ब्लॉकों से धरना प्रदर्शन में पहुंचे हजारों की संख्या में शिक्षकों ने पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन के बाद अपनी मांगों का ज्ञापन जिला प्रशासन के माध्यम से शासन को भेजा। इस दौरान शिक्षकों ने कहा कि वर्ष 2004 के बाद सभी शिक्षकों कर्मचारियों के साथ अन्याय किया जा रहा है। एक तरफ जहां एमपी एमएलए सरकार के नुमाइंदे कुछ दिनों के लिए पद पर रहते हैं तब भी आजीवन पेंशन लेते हैं, लेकिन शिक्षक व कर्मचारी देश के भविष्य को संवारने का काम आजीवन करते हैं। बावजूद इसके उनकी बुढ़ापे की लाठी पुरानी पेंशन को छीन लिया गया। शिक्षकों ने और क्या कुछ कहा, सुनिए। अमित राय, जिला मीडिया प्रभारी, उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ आजमगढ़। आज से मांग को लेकर धरना दे रहे हम लोग। आज अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के आह्वान पे उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन और ज्ञापन का कार्यक्रम रखा गया। कितनी भारी संख्या में आप लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? आज जनपद के प्रत्येक विद्यालय से प्रत्येक शिक्षक आज जनपद मुख्यालय पर हम लोगों के धरने प्रदर्शन में सम्मिलित होकर के पुरानी पेंशन बहाली के लिए अपनी मांग कर रहा है। ये संख्या हमारी 5000 से ऊपर आज की है। अच्छा, ये बताइए कि आपने धरना प्रदर्शन तहसीलों में दिया, हर जगह दिया, आज इन मुख्यालय पर दे रहे हैं, क्या उम्मीदें हैं कि आपकी मांगें पूरी हो सकती है? बिल्कुल, हमको पूरी उम्मीद है कि पुरानी पेंशन बहाल होगी। पुरानी पेंशन हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। सांसदों को, विधायकों को, मंत्रियों को पुरानी पेंशन मिलती है 60 साल की सेवा करने के बाद, 62 साल की सेवा करने के बाद। हमारा अध्यापक जब रिटायर हो रहा है तो वह ठगा सा महसूस कर रहा है, उसको 1000, 1500, 2000, 3000 पेंशन मिल रही है, जिससे वह जो है बुढ़ापे में अपना जीविकोपार्जन करने में बहुत कठिनाई का सामना उसे कर। आजमगढ़ के बुढ़नपुर तहसील क्षेत्र के प्रसपा के अतरौलिया विधानसभा प्रभारी कन्हैया सिंह ने प्रेस वार्ता में कहा कि अतरौलिया विधानसभा में बसपा की ही बड़ी जीत होगी। बसपा के प्रत्याशी डॉक्टर सरोज पांडे के बारे में बताया कि उनके आने से पार्टी काफ़ी मजबूत हो गई है। साथ ही अतरौलिया डॉक्टर साहब अपने कार्यों में से लोगों की मदद करने वाले डॉक्टर सरोज पांडे के साथ पूरा जनसैलाब है। अतरौलिया की जनता इस विधानसभा चुनाव में बसपा प्रत्याशी डॉक्टर सरोज की बड़ी जीत दिलाने का काम करेगी। सपा के विधायक डॉक्टर संग्राम यादव पर जमकर निशाना साधा और कहा कि भले ही हमारी पार्टी से गठबंधन हुआ है, लेकिन अतरौलिया में हम गठबंधन का पालन नहीं करेंगे। शेष सभी सीटों पर हम गठबंधन को ध्यान में रखते हुए अपनी पार्टी को एक बड़ी जीत दिलाने का काम करेंगे। और क्या कुछ कहा कन्हैया सिंह ने, सुनिए। और जो भी आपका विधानसभा चुनाव के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं, किसका माहौल है, जो भी आप अतरौलिया की जनता को सचेत करना चाहते हैं उसके बारे में आप अपने विस्तृत बयान दीजिए। कहां से क्या काट छाट है, पार्टियों की क्या रणनीति है, किस रणनीति से आप लोग कार्य कर रहे हैं? पहली बात तो मैं कन्हैया सिंह, प्रसपा का विधानसभा अतरौलिया का प्रभारी और ग्राम पिपरी जनपद आजमगढ़ का रहने वाला हूँ। और दूसरी बात, आपका जवाब ये है कि जो काट छाट की बात कर रहे हैं, अभी आप लोग जब यहाँ आए तो आपने देखा कि कुछ असंतुष्ट गुट, जो समाजवादी पार्टी का असंतुष्ट गुट है, जिनको मनाने का कार्य आजकल हमारे क्षेत्र में ज़्यादा चल रहा है। अभी उनकी मीटिंग अंदर चल रही थी, आप लोगों को देखते ही वो लोग मैदान छोड़ के भाग गए। आप लोग इधर अगल बगल में सारे लोग घूम रहे हैं, अब उनको मनाने का काम चल रहा है। और मनाने में आप जानते हैं कि पैसा रुपया हर तरीके से चलने का काम होगा, जो विगत वर्षों विगत चुनावों से चला आ रहा है वही कार्यक्रम वो फिर कर रहे हैं। लेकिन यहाँ अतौलिया विधानसभा की जनता इतना होशियार है, इतना चालाक है, अब की बार वो बदलाव चाहती है और बदलाव के रूप में। आजमगढ़ के महाराजगंज की खबर है, 21वीं सदी में भारतीय समाज धीरे धीरे बदलता दिखाई देने लगा है, जहां रूढ़िवादी परंपराओं पर प्रहार करता हुआ समाज आगे बढ़ जाए। ऐसा ही एक मिसाल आजमगढ़ जिले के महाराजगंज ब्लॉक के देवनपुर गांव निवासी रजनीकांत तिवारी और उनके परिवार ने पेश किया है। बता दें कि लक्ष्मीकांत तिवारी के घर उनके पुत्र वधु ने एक बेटी को जन्म दिया और पूरा परिवार नवलक्ष्मी के आगमन पर खुशियों के साथ पुत्र वधु बिमलेश तिवारी के घर में पूरे हर्षोल्लास के साथ स्वागत किया। खुशियों के बीच सरला तिवारी ने अपने पौत्री का नाम रुद्रा तिवारी रखते हुए गांव के बच्चों को बुलाकर पढ़ाई सामग्री बांटा और समाज को बेटी और बेटा में फर्क करने वालों को बड़ा संदेश दिया। सरला तिवारी ने बेटियों की व्यथा करते हुए
व्यथा कहते हुए समाज द्वारा भेदभाव किए जाने पर दुख जताया और बेटियों को समान रूप से अंगीकार की बात कही। आज समाज में बहुत ही वातावरण खराब ये चल रहा है कि अगर बेटियां पैदा हो जा रही हैं तो लोग अफसोस मना रहे हैं, उस पर कुछ खुशी नहीं जाहिर करते, जबकि संतान का विषय कुछ है ही नहीं। संतान तो बेटी हो चाहे बेटा हो, दोनों संतान तो हमसे ही उपज होते हैं। क्या सुख बेटी देती है, क्या सुख बेटा देता है, दोनों बराबर हैं। बेटी ऐसा सुख देती है, बेटा क्या जाने कि सुख क्या होता है माँ बाप का। तो इसीलिए उसी के उपलक्ष्य में हमने एक छोटा सा कार्यक्रम रखा था। हमारे गांव में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो अभावग्रस्त हैं, जिनको नहीं कुछ मिल पा रहा है, तो हम अपने बाबा जी के आशीर्वाद से उनको और माता जी के साथ कुछ उनको पुरस्कार वितरित किया गया है, और कुछ इस बारे में हमारी माता जी भी और मौसी जी भी कहेंगी। बराबर हैं। आज के युग में देखिए बेटियां कितना आगे निकल रही हैं, कितनी बड़ी बड़ी अधिकारी हो रही हैं, लड़कों के बराबर चल रही हैं। क्या उनमें बच्चों और बेटे और बेटी में क्या फर्क है, हमको तो कुछ नहीं दिखाई देता है, लोग ये मानते हैं। इसके उपलक्ष्य में आपने गरीब बच्चों में और हमने गरीब बच्चों को बुलाया, गरीब बच्चों को बुलाया, वो बेचारे नहीं पाते हैं, ना कलम पाते हैं, ना कापी पाते हैं, ना किताब पाते हैं, वो पढ़ने नहीं जा पाते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं। और बड़े बड़े घरानों में भाई बेटों के लेकर के लोग दान करते हैं, दक्षिणा करते हैं, लेकिन उन गरीबों को ध्यान नहीं देते हैं। जो बेटियां पड़ी हैं आज रो रही हैं, वो बिलख रही हैं, उनको लोग ध्यान नहीं देते हैं। एक टाफी नहीं उनको देते हैं कि बच्चे खुश हो जाएंगे। ऐसा भाई सब चीज़ ये सब गलत है, ऐसा लोग जो करते हैं हम उसको मानते नहीं हैं। हम तो ये मानते हैं कि सारा ये जो जीवन है हम लोगों का, लड़की हो या लड़का हो, भगवान ने दिया है, सबको समान रखना चाहिए। बेटी हो या बेटा हो, भैया किसी को दो दो बिना नहीं करना चाहिए। हमारे गरीब बच्चे कितना रो रहे हैं, कितना बिलख रहे हैं, बच्चियों को लोग अलग कर देते हैं, उनको गर्भपात करा देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। आगामी विधानसभा चुनाव 2022 के दृष्टिगत रखते हुए अपराध पर अंकुश लगाने के लिए पूरे जनपद में चलाए गए अभियान के संबंध में पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग यारी ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। आगामी चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए और अपराध पर अंकुश लगाने के लिए अधिसूचना एकत्र करने के लिए पूरे जनपद में जितने हमारे लगभग 1500 बीट कांस्टेबल्स और हेड कांस्टेबल्स हैं जो थानों पर कार्यरत हैं, इनको बीट का दोबारा से आवंटन किया गया है। दो दो तीन तीन चार चार गांव इनको दिए गए हैं जो इनकी जिम्मेदारी है। इसमें हम लोगों ने रात्रि चौपाल का आयोजन इन सभी गाँवों में करना शुरू किया है। इसमें बीट कांस्टेबल हेड कांस्टेबल जाते हैं अपने गाँव में, वहाँ पर रुकते हैं, वहाँ ग्राम सुरक्षा समिति का गठन करते हैं। उसमें जो गाँव के जिम्मेदार लोग हैं, अच्छी छवि के लोग हैं, उनको एक साथ एकत्र करके उनसे वार्ता करते हैं, अन्य भी गांव के लोगों से बातचीत करते हैं और तीन चार मुख्य बिंदु हैं जिन पर जानकारी करते हैं। नंबर एक तो यह है कि अवैध शराब का निष्कर्षण या अवैध शराब का कारोबार कोई व्यक्ति गांव में तो नहीं कर रहा है। दूसरा, कौन ऐसे आपराधिक तत्व हैं जो गाँव का माहौल खराब करना चाहते हैं या गाँव का किसी भी प्रकार के अपराध में लिप्त है। तीसरा, इस चीज़ को लेकर कि जो आगामी चुनाव है उसमें कहीं कोई समस्या तो नहीं है, कोई व्यक्ति ऐसा तो नहीं है जिसको घबराहट है किसी चीज़ को लेकर, या कोई व्यक्ति ऐसा है जो वोटरों को प्रभावित कर सकता है, उसके बारे में सूचना संकलित करते हैं। इन सभी बिंदुओं पर बीट आरक्षियों को और हेड कांस्टेबल्स को भेजा गया है। इसमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये भी है कि जो रात्रि का अपराध है, खास करके नकबजनी का अपराध है, उस पर अंकुश लग सके, क्योंकि जब पुलिसकर्मी अपनी बीट में जाएंगे तो वहाँ कोई भी खुराफाती एलिमेंट आने से डरेगा। और इसके साथ साथ एक जनता के साथ संवाद स्थापित करने का माध्यम है जिसमें हम लोग जनता के बीच जाते हैं और जो अच्छे लोग हैं वो पुलिस के साथ रहें, पुलिस का साथ दें, पुलिस से डरें नहीं, और जो जो खुराफाती तत्व हैं वो पुलिस से डरें और पुलिस उनके विरुद्ध लगातार कार्रवाई करते रहे। इसी मंशा के साथ इस पहल को शुरू किया गया है और इसमें धीरे धीरे हम इसको SHO जो हल्का प्रभारी है, चौकी प्रभारी है, थाना प्रभारी है, COs हैं, एडिशनल SP और हम खुद, हम सब लोग इसमें इस अभियान में निकलेंगे और गांव-गांव में जाकर संवाद स्थापित करेंगे। सर, प्राय होता है पुलिस से थोड़ा सा लोग दूरी बनाते हैं, उसको कैसे संवाद करें कि लोगों के बीच में नज़दीकियाँ और सारी चीज़ें आप लोगों के बीच में अपडेट होती रहें। उसी के तहत एक प्रयास है। अब आप देख रहे हैं सर्दी का टाइम है, शाम के टाइम लोग गाँव में अलाव जला के और भाग करना सीखते हैं, तो उसी पुलिस भी वहाँ जाके उनके साथ बैठे शाम के टाइम, उनसे बातचीत करे, और जितना पुलिस जाके अच्छे लोगों से बातचीत करेगी, अच्छे लोगों को ये कॉन्फिडेंस देगी कि आप हमें सूचना दीजिए और हम उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे जो इस तरह के खुराफाती लोग हैं, तो उसी के तहत ये प्रयास है कि अच्छे लोगों के और पुलिस के बीच में दूरी को कम किया जाए, संवाद स्थापित हो, उनसे हमें सूचनाएँ मिलें, गाँव की समस्याओं के बारे में पता चले, और जो नेगेटिव एलिमेंट्स हैं, जो आपराधिक तत्व हैं, वो पुलिस से डरें और समाज और पुलिस एक साथ मिलकर ऐसे तत्वों को या तो जेल के अंदर रखें या उनको सुधार दें।
आपको बता दें कि आजमगढ़ जिले के सगड़ी तहसील क्षेत्र के स्मिथ इंटर कॉलेज अजमतगढ़ के समस्त कर्मचारी वेतन बहाल न होने को लेकर सोमवार को कॉलेज परिसर में ही माध्यमिक शिक्षक संघ मंत्री नरेंद्र सिंह, प्रांतीय मंत्री सलीस राय एवं जिला मंत्री पंकज चौधरी के नेतृत्व में एक दिवसीय धरना देकर जमकर नारेबाजी करते हुए उपजिलाधिकारी सगड़ी द्वारा अध्यापकों का उत्पीड़न करने का आरोप लगाते हुए रोके गए 11 कर्मचारियों के वेतन को बहाल करने की मांग करते हुए जमकर नारेबाजी की और चेतावनी दी कि यदि एक सप्ताह के अंदर कर्मचारियों का वेतन बहाल नहीं किया गया तो पूरे जनपद में लॉकडाउन हड़ताल चौक डाउन हड़ताल करने के उप जिलाधिकारी का विरोध करेंगे। शैलेश राय है, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ सेवारत के प्रदेश के मंत्री हैं। सर यहाँ पे किस तरह का प्रदर्शन चल रहा है, क्या पूरा मामला है? मेन मामला यह है कि स्मिथ इंटर कॉलेज अजमतगढ़ में जो 11 शिक्षक कर्मचारियों को एसटीएम द्वारा निलंबित किया गया है, इनको कोई अधिकार नहीं। आप निलंबन पत्र देखिएगा, नीचे प्रबंध संचालक की दस्तखत नहीं है बल्कि ज्वाइंट मजिस्ट्रेट की है। और यह एक तरह से पागल अधिकारी है। पहले यह सदर में एसडीएम थे, प्रशिक्षु आईएएस हैं, एक व्यापारी से भिड़े, वहाँ से हटाए गए, फिर यहाँ आए वकीलों से भिड़े। यह दिन रात केवल खुरापात करना इनका काम है और इसके खिलाफ यह लड़ाई की पहली आगाज है। और निश्चित रूप से इस लड़ाई में हम लोग एकजुट होकर शिक्षक संघ चाहे जिस भी संगठन के लोग हों, सारे लोग इस मुद्दे पर एक हैं और इस लड़ाई को जिले का लड़ाई नहीं बल्कि प्रदेश की लड़ाई बनाया जाएगा, क्योंकि यह कानून से ऊपर अपने को समझते हैं और इनको समझ में आ जाएगा किसी से मुलाकात हुई है। सर क्या मांग है आप लोगों? मांग यह है कि जो निलंबन यह किए हैं वो निलंबन तत्काल वापस किया जाए और लगभग 3 महीने से इस विद्यालय का वेतन बाधित है उस वेतन को दिया जाए। और जहाँ तक मैं तो समझता हूँ कि इस निलंबन में इस विद्यालय के प्रधानाचार्य का भी है। बुढ़नपुर तहसील क्षेत्र के शाहपुर स्थित विद्यावती इंटर कॉलेज के मैदान में 10 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसके समापन के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में बीजेपी के वरिष्ठ नेता आजमगढ़ के हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीष त्रिपाठी ने विजेता और उपविजेता टीम को पुरस्कृत कर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा कि खेल में अपार संभावनाएं हैं, खेल से खिलाड़ियों का आत्मविश्वास के साथ साथ मान सम्मान में भी बढ़ोतरी होती है। आज प्रदर्शन के दम पर लड़कियां खिलाड़ी विश्व में अपना नाम रोशन करते हैं। अंत में उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के खिलाड़ियों की प्रतिभा धन अभाव और स्टेडियम के अभाव में निखर नहीं पा रहे हैं, वह अतरौलिया में एक भव्य स्टेडियम भी बनाया जाएगा। और क्या कुछ कहा डॉक्टर मनीष त्रिपाठी ने, सुनिए। देते हो सर इस मैच के रूपरेखा के बारे में प्रकाश डालते हुए? मेरा नाम डॉक्टर मनीष त्रिपाठी है, भाजपा से अतरौलिया विधानसभा से मैं तैयारी कर रहा हूँ और आज मैं यहाँ पर एक फाइनल क्रिकेट मैच का समापन के लिए मुझे बुलाया गया था। और मैं जब ये यहाँ जो शाहपुर का ये जो मैदान है, यहाँ 15 साल से ऊपर हो गया, यहाँ रेगुलर हर साल मैच कंपटीशन कराया जाता है और इस बार जो यहाँ के आयोजक हैं सुधीर मिश्रा जी हैं और फाइनल मैच दो टीमों के बीच भैरवपुर और बरहीपुर के बीच ये मैच आयोजित किया गया था। दोनों जो भैरवपुर की विजेता टीम रही है जिसके कैप्टन का नाम है जय मंगल सिंह और उप विजेता टीम के कैप्टन का नाम है उनका भी नाम मंगल सिंह और दोनों टीमों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और भैरवपुर की टीम को विजयी प्राप्त हुई। खिलाड़ियों में जो ग्रामीण क्षेत्रों में है, आप भी जाते होंगे देखते होंगे, क्या प्रतिभाएं हैं इस समय जो क्रिकेट के प्रति ज़्यादा रुचि है और खेलों के प्रति काहे के लिए लोग नहीं खेलना चाहते जैसे कबड्डी, खो खो? ये ठंडक के समय में अक्सर देखा जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में हर छोटे ग्राउंड पे कहीं ना कहीं क्रिकेट मैच होता रहता है। नहीं, सबसे अच्छी बात है जो यहाँ पर देखा जा रहा है, यहाँ कम से कम क्रिकेट का ही मैच सही लेकिन गेम चल रहा है, लोग खेल रहे हैं, लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं और हर साल जब ये 15 साल से टूर्नामेंट आयोजित हो रहा है और भी जगहों पर गांव में छोटे छोटे टूर्नामेंट आयोजित हो रहे हैं तो सबसे बड़ी अच्छी बात है यहाँ खेल भावना से लोग यहाँ के युवा लोग जुड़े हुए हैं। अदरवाइज़ लोगों युवाओं में आजकल जो लाइफ स्टाइल बदली है तो खेल भावना में बहुत गिरावट आई, ये एक अच्छी बात है कि यहाँ एटलीस्ट खेल भावना जुड़ी हुई है। और दूसरा सारा चीज जो हमारे देश में क्रिकेट को ज़्यादा प्रेजेंटेशन ज़्यादा रहा है और शुरू से ही जो हमारी मीडिया टीम को ही बोले जिस चीज़ को हमारे देश में जिस चीज़ का प्रोत्साहन ज़्यादा कहीं भी जिस चीज़ का ज़्यादा प्रोत्साहन रहता है तो उसी टीम को जो लोग उस चीज़ का ज़्यादा खेलते हैं। हमारे भारत में क्रिकेट को ज़्यादा बड़े लेवल पर ऑर्गेनाइज किया जाता है, विश्व में एक अच्छी जगह अपने देश क्रिकेट जगत में अपना देश अच्छे पोजीशन पर है इसलिए यहाँ पर लोग ज़्यादा क्रिकेट खेलते हैं। यहाँ के खिलाड़ियों में क्या कुछ खामियाँ रही या खिलाड़ी जिस स्तर पर ये खेल रहे हैं
और अगर इनको थोड़ा सा जो अभाव है और जो पूरी इनके पास क्रिकेट की किट नहीं है, इनके पास कोई कोच नहीं है, बट ये बच्चे आपस में प्रैक्टिस कर करके और इतना अच्छा प्रदर्शन इन्होंने आज किया है, तो अगर इनको थोड़ा सा अगर मार्गदर्शन मिल जाए तो इनका भविष्य बहुत उज्ज्वल है। ये टैलेंट हमारे यहाँ पर छिपा हुआ है, बट थोड़ी सी आगे क्या किया जा सकता। अम्बेडकर नगर में पहुंची बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राधा मोहन सिंह ने बिना नाम लिए कांग्रेस और सपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा एक परिवार दिल्ली में शासन किया और एक परिवार वर्षों तक यूपी में शासन किया। ये दोनों परिवार दिन भर गांव, गरीब और किसान के लिए नारे लगाते थे, लेकिन शाम होने के बाद पूरी निष्ठा के साथ अपने वंश की मजबूती के लिए इन दोनों परिवारों ने नाकाम किया है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिन में भी देश की बात करते हैं तो सपने में भी देश की मजबूती के लिए सोचते हैं, और यही वजह है कि देश और उत्तर प्रदेश की जनता मोदी और योगी के साथ है। आज तक दिल्ली में जो एक परिवार ने शासन किया और यूपी में भी वर्षों तक एक परिवार ने शासन किया, इन परिवारों ने दिन भर नारे लगाए गांव, गरीब, किसान की मजबूती के लिए। इन शाम होने के बाद अब निष्ठा के साथ अपने वंश की मजबूती के लिए काम किया। लेकिन मोदी और योगी दिन में भी देश की बात करता है तो सपने में भी देश की मजबूती के लिए सोचता है, और इसीलिए देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता और अम्बेडकर नगर की जनता भी अब मोदी और योगी के पीछे। समाजवादी पार्टी ने विश्वकर्मा समाज को सम्मान दिया, नौकरी और रोजगार दिया। भाजपा ने विश्वकर्मा समाज को अपमान किया। सपा ने विश्वकर्मा समाज को राजनीति और सरकार में हिस्सेदारी दी। भाजपा ने विश्वकर्मा समाज को राजनीति और सरकार में भागीदारी से वंचित रखा। भाजपा ने विश्वकर्मा समाज को मंत्री नहीं बनाया, जबकि समाजवादी पार्टी ने रामाश्रय विश्वकर्मा को मंत्री बनाया। सभी विश्वकर्मा बंधुओं को समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने और अखिलेश यादव को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के लिए एकजुट होकर वोट करें। गाँव गाँव में चौपाल आकर समाज में समाजवादी पार्टी को जिताने के लिए संकल्प लें। विश्वकर्मा समाज कार्यकर्ता सपा नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर सपा को बूथ बूथ पर जिताने का कार्य करें। ये बातें अम्बेडकर नगर में पहुंचे पूर्व मंत्री रामाश्रय विश्वकर्मा ने की है। ये आपकी सरकार क्या करने जा रही है? समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद विश्वकर्मा समाज को नौकरी रोजगार से जोड़ने का काम किया जाए, उनके जो रोजगार संबंधी नीतियाँ हैं उनको बनाने का कार्य किया जाएगा। इस बार 17 सितंबर को माननीय अखिलेश यादव ने घोषणा की कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो विश्वकर्मा पूजा संस्कृति को निरस्त कर दिया है, जिसको उन्होंने 2012 में घोषित किया है, पुनः घोषित की जाएगी और गोमती नदी के तट पर भगवान विश्वकर्मा का भव्य मंदिर बनाया गया है। विश्वकर्मा समाज के लोगों को उनकी संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी देने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार करेगी। ये भी आपकी सरकार अगर बनती है, आज पिछड़ा समाज अत्याचार निवारण आयोग के बारे में क्या आप बता जानेंगे? निश्चित रूप से हम इसके पक्षधर हैं और आयोग में बैठ कर के हमने इसकी प्रस्तुति भी की है और ये सरकार को बनाना चाहिए ना कि पिछड़ों पर अत्याचार। और ये अभी ITI के बारे में आपने कहा कि ITI दाखिला जो बिना दाखिला लिए हुए ITI में विश्वकर्मा समाज को ITI का प्रमाण पत्र देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है, ये ऐसा क्या है? ये BJP सरकार ने रोक लगा दी। 2013 में माननीय अखिलेश यादव जी ने सातवां बिल जारी किया कि विश्वकर्मा। पुलिस अधीक्षक आजम लंदुरागारी व अपर पुलिस अधीक्षक नगर सुरेंद्र लाल द्वारा जनसुनवाई की गई। जनसुनवाई में कुल 62 प्रार्थना पत्रों के निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों को मौके पर जाकर शिकायतों की तत्काल निष्पक्ष व न्यायोचित जांच कर विधिक निस्तारण सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया है। तो खबर आपको आजमगढ़ से दिखा रहे हैं, जहाँ SP लंदुरागारी ने आज जनसुनवाई के दौरान कुल 62 प्रार्थना पत्रों के निस्तारण हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिया है। आजमगढ़ में शनिवार को अधिवक्ता शैलेश सिंह उर्फ धीरज सिंह की मौत के बाद आक्रोशित अधिवक्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार मार्टिनगंज हेमंत कुमार बिंद को ज्ञापन सौंपाया, जिसमें राजनीतिक दबाव के चलते अधिवक्ता के ऊपर लगे फर्जी मुकदमे व जेल में रहते हुए तबियत बिगड़ने पर अस्पताल में मृत्यु के बाद अधिवक्ताजनों का आक्रोश काफी आक्रोश है, जिसे लेकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई और न्यायिक जाँच की मांग की गई, क्योंकि राजनीतिक साजिश के तहत लापरवाही के चलते अधिवक्ता की मौत हुई है। अधिवक्ताओं की मांग है कि मृतक का अधिवक्ता शैलेश सिंह उर्फ धीरज के परिवार को 1 सदस्य को सरकारी नौकरी व 50 लाख मुआवजे देने की कृपा करें। जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता में जिला अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि महिलाओं को उनके हक के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी ने मैं लड़ सकती हूँ का नारा दिया है। यह नारा महिलाओं के स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है।
उसी क्रम में महिलाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से महिला सशक्तिकरण की दिशा में आजमगढ़ कांग्रेस जनपद में दिनांक 5 जनवरी 2022 को आजमगढ़ जजे के मैदान से सुखदेव पहलवान स्टेडियम तक मैराथन दौड़ का आयोजन कर रही है। मैराथन दौड़ में बड़ी संख्या में लड़कियां शामिल होगी। मैराथन दौड़ में 16 साल के ऊपर की लड़कियां भाग ले सकती हैं। मैराथन दौड़ में शामिल होने के लिए लड़कियों का निःशुल्क रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया ऑनलाइन अथवा फॉर्म जमा कर पूर्ण किया जा सकता है। पुरस्कारों में स्कूटी, स्मार्टफोन, फिटनेस बैंड, मेडल और सभी बच्चियों को सर्टिफिकेट और मैराथन में भाग ले रही सभी लड़कियों को मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ स्लोगन लगा टी-शर्ट भी दिया जाएगा। हाँ सर, अपना परिचय दीजिए। आप सभी को नमस्कार। देखिए, आज आप प्रेस वार्ता करने का उद्देश्य यह है कि पूरे प्रदेश में कैंपेन चल रहा महिला सशक्तिकरण को लेकर के, श्रीमती प्रियंका गांधी जी द्वारा चलाया जा रहा है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। कि हमारे देश में जो आधी आबादी है उनका बराबर प्रतिनिधित्व हर जगह नहीं, इसको लेकर के कैंपेन लॉन्च हुआ था। उनके लिए अलग से घोषणा पत्र बना था। इस क्रम में उनको और एम्पावर करने के लिए, उनको सशक्त करने के लिए लगभग कई मंडलों में लड़की हूँ लड़ सकती हूँ एक मैराथन कराई जा रही है। जैसे मेरठ में हो चुका है, झांसी में भी हुआ है, लखनऊ में 28 को होना है, तो 5 तारीख को आजमगढ़ में भी तिथि नियत की गई। ये मैराथन दौड़ कहाँ से शुरू हुई? और ये जजी के मैदान से अभी तक जो हमने प्रस्तावित किया हम सब लोगों ने मिलकर जजी के मैदान से ये शुरू होगी और ये सीधे पुरानी कोतवाली होते हुए, पहाड़पुर होते हुए स्टेडियम में जाकर के समाप्त होगी। और उसमें पहले जो पहली विजेता है उनको एक स्कूटी है, बाकी क्रमशः 25 लोगों को स्मार्टफोन है और उसके बाद शेष लगभग 100 लोगों को जो है फिटनेस बैंड है और 1000 लोगों को मेडल है, शेष लोगों को सर्टिफिकेट है, बाकी सर्टिफिकेट सबको है और साथ ही टी शर्ट, जितनी बच्चियां मैराथन में दौड़ेंगी उनको सबको एक टी शर्ट है जो लड़की उड़ सकती है उस लोगों के साथ जो है फ्रेंड के साथ सर्टिफिकेट है। मैं समझता हूँ कि इस मैराथन से एक एम्पावर लड़कियों में एक आत्मनिर्भरता आएगी और जो प्रियंका जी का कैंपेन है उसको बल मिलेगा मैं लड़की उड़ सकती हूँ के माध्यम से लड़कियों में जागरूकता आएगी, इसी उद्देश्य से कार्यक्रम कराया जाएगा। आजमगढ़ में स्कूल की बाउंड्री छोटी होने से बच्चे तथा शिक्षक जंगली जानवरों से परेशान रहते हैं। खबर आजमगढ़ से दिखा रहे हैं। बता दें कि आजमगढ़ के थाना जैनपुर के अंतर्गत ग्राम गड़ेरुआ के जूनियर हाई स्कूल का एक मामला है जहां बीते हर दिन बच्चे तथा वहां के शिक्षक जंगली जानवरों से परेशान रहते हैं। स्कूल की बाउंड्री छोटी होने के कारण आसपास के जंगली जानवर बाउंड्री को छलांग लगाकर स्कूल में आ जाते हैं और स्कूल में गोबर कर तथा वहां के फूल पत्तियों को नुकसान करते हैं। स्कूल के शिक्षकों का कहना है कि ग्राम सभा के सरपंच को बार बार सफाई कर्मी को भेजने का अनुरोध किया जाता है लेकिन सफाई कर्मी स्कूल पर नहीं जाते हैं। अरुण कुमार राय। तो सर, इस विद्यालय के शिक्षक हैं आप? जी हाँ। तो सर, क्या कहना चाहेंगे इस विद्यालय को लेकर? सर, क्या समस्या आ रही है? कि यहाँ बाउंड्री वाल नहीं है, है छोटी है, टूटी फूटी है, जिससे जंगली जानवर आते हैं और अराजक तत्व आते हैं जो हमारे समरसेबुल और हैंड पाइप को बिगाड़ देते हैं। हमको आए दिन बनवाना पड़ता है और तमाम समस्याएं विध्वंसक तत्व आकर यहाँ अवैध शाम को शराब का बोतल दिखाई देता है, फेंका रहता है, सुबह झड़वाते हैं, अपने झाड़ते हैं, बच्चों का रसोइयों से सहयोग लेते हैं और सफाई कर्मचारी कहने पर भी नहीं आते हैं, भी नहीं गांव में। प्रधान से कई बार हमने कहा और समस्याएं और आए दिन बढ़ती जा रही हैं जिससे बच्चों को पठन पाठन में हमको असुविधा होती है। तो सर, जंगली जानवरों द्वारा क्या क्या मतलब परेशानियों का सामना करना पड़ता आप लोगों को? गोबर कर दिया जाता है और वो दरवाजों पर रगड़ देते हैं जिससे पेंट वेंट जो सफाई की हुई है गंदे हो जाते हैं और जानवर पेड़ पौधों को भी नुकसान करते हैं। हाँ, फुलवारी जो लगाई जाती है सब चल जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो सर, चाह के भी अपने यहाँ कोई फूल वगैरह नहीं लगा पाते हैं। तो सर, क्या आप लोगों ने इस मामले को लेकर सर आप लोगों जो कि अधिकारियों से बात किया है? सर, अपने स्तर से तो प्रयास बहुत किया गया, अपने से निवेदन किया गया है, थोड़ा सा इसका और चारों तरफ से बाउंड्री हो जाती है, पुराने भवन हैं जो बहुत। सर, अभी तो विद्यालय में बाउंड्री वर्तमान समय में मौजूद है, क्या उस बाउंड्री की ऊंचाइयों का बढ़वाने की जो कि बाउंड्री भी टूटी फूटी है, बहुत
काफी दिनों की बनी है, ऊंचाई अब इसकी मिट्टी पड़ गई है, छोटी है, और पुराने जो विद्यालय उधर से टूटे फट के गिर रहे हैं और सिर्फ पड़े हुए हैं जिसके नाते असुरक्षित है जंगली जानवर। तो सर क्या प्रशासन से क्या अनुरोध करेंगे आप? प्रशासन चाहते हैं कि प्रशासन के माध्यम से कोई सरकारी अनुदान दे करके, क्योंकि यहाँ का क्षेत्रफल बड़ा है, इसका बाउंड्री वाल कायदे से करा दिया जाए जिससे हम शिक्षकों को, हमारे बच्चों को